हेलो हाय, मैं सतीश मिश्रा। यहाँ पे आज छठ का महापर्व है और हम इस समय गोमती नगर गोमती रिवर के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पे छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भक्तजनों का आगमन है और हम लोग इस साइड भी लगा हुआ है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग आरती करते हैं और इस पर पूजा अर्चना की जाती है। जिसे इसको कर सकते हैं और हम काफ़ी खुश हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ पे मंदिर भी है और हम लोग इस समय पुल के नीचे बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं। ये महिला हैं, इनका वेदी बना हुआ है तो ये अपना पूजा अर्चना कर रही हैं, व्रत है। ये काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखिए भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और इस मेले में काफ़ी दूर दूर के लोग आए हुए हैं और हम यहाँ जैसे कि यहाँ पे काफ़ी खुश और काफ़ी खुशनुमा नज़ारा है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और ये हमारे अजय जी हैं, इनसे मिलिए। ये पहले ये लखनऊ में इनका पहला ये छठ पर्व का आनंद ले रहे हैं जी। धन्यवाद। ये पहली बार होगा कि मैं यूपी में और ऊपर से राजधानी लखनऊ में उपस्थित हूँ हमारे मित्र सतीश गुप्ता जी के साथ और इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा एक अनुभव दिया है। काफ़ी अच्छा एक अनुभव जो छठ पूजा जो कहा जाता है जो बिहार और यूपी में और आजकल तो हर स्टेट में मनाया जा रहा है रिवर फ्रंट के साथ या फिर लेक के आसपास में। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि सूर्य जो है हमारे सूर्य देवता इनकी जो पूजा की जा रही है, इनको आराध्य दिया जा रहा है, इनको जो ये हमारे लिए करते हैं ये भारतवर्ष में ही कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में ये सूरज की कोई पूजा नहीं होती लेकिन छठ पूजा के उपलक्ष्य में ये लोग जो होते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सूर्य भगवान को अपना समर्पण किया हुआ है छठ पूजा के आधार पे। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये पर्व देखना। नागपुर में भी ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता। तो हम भारतीयों से निवेदन करते हैं कि इस उपलक्ष्य को नेशनल फेस्टिवल घोषित करके हर समय या फिर जैसे ही छठ पूजा होती है तो पूरे देश भर मनाया जाए, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद। और हम मेले का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मेले में आए हुए जितने भी हमारे भक्तगण हैं उनका देख रहे हैं और वहाँ पे कोई इस समय आरती हो रही है। ये हम आपको गोमती नगर गोमती रिवर दिखाने जा रहे हैं जो कि इसकी सफाई खैर नहीं हो पाई है जल्द में, बट यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पे मंदिर की आरती हो रही है और हम ये आपको नदी दिखा रहे हैं। ये गोमती नदी है लखनऊ की। इस समय हम लोग पुल के नीचे उपस्थित हैं और ये यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिसको हम देख रहे हैं। काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे टीवी का आयोजन किया गया जिससे जो भक्तगण वहाँ तक स्टेज पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वो उसका आनंद यहाँ से भी ले सकते हैं।
टीवी भी है, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। और यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे पूरा मेला का आयोजन हो गया है, जैसा कि लग रहा है कि क्या लगा रहा है यहाँ पे लखनऊ गोमती रिवर में। और हम लोग इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ पे बस और आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग अपने घर जा चुके हैं तो कुछ कार्यक्रम के लिए, बाकी लोग अभी आगमन हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेले का आयोजन हो चुका है, थोड़ा हम लोग लेट हैं तो फिलहाल कोई नहीं, हम इतने भी लेट नहीं है। अभी भी पूजाएं चल रही है, देख सकते हैं आप, पूजा चल रही है, देख सकते हैं आप। हाँ, और यहाँ पे पुलिस वाला बोलो, यहाँ पे पुलिस काफ़ी भारी मात्रा में लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी अपराधी और अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ाता है तो उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी इस मेले में। और बहुत ही अच्छा बनाया गया है ये नज़ारा और सजावट का भी। और सतीश जी, एक और बात देखिए, मैंने अभी तक कोई भी क्राइम यहाँ पे घटित नहीं हुआ है अभी तक, और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमारे योगी जी का योगदान है कि अगर लखनऊ में आप योगी जी जब तक रहेंगे वो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है गैर कार्रवाई। जी बिल्कुल, हम ये सुनकर धन्य हुए हैं कि योगी जी ने अपना पूर्ण सहयोग देते हुए यूपी को अपना घर बनाकर इसे घर की तरह सजाया है, घर की तरह रखा है। और सारे जो बाहर से आने वाले या फिर यही के रहने वाले लोगों को पुलिस फोर्स है वो आती हुई दिखाई दे रही है आपको, अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो पेट्रोलिंग करते हुए दो पुलिस कर्मी ये आ रहे हैं। हम थोड़ा दूर हैं बट आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वो देखो काफ़ी पास जा रहे हैं और यहाँ पे मेले में पेट्रोलिंग करते हुए अगर कोई भी अपराधी पाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।